हेलो रिवान वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नॉर्थ्लॉगजासिन मेडिसिन के बारे में तो सबसे पहले हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में कि व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ दिस नॉर्थ फ्लॉगजासन फिर करेंगे उसके डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी और फार्माकोलॉजिकल स्टडी के अंदर हम जानेंगे उसके मेकेनिज्म के किस तरह से ये नॉर्फलॉक्सिन काम करता है जानेंगे उसके वेरियस डोजेस के कौन से डोज में इसको यूज़ किया जाता है फिर कौन सी कंडीशन में यूज़ ना करें मतलब कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड साइड इफ़ेक्ट साथ ही जानेंगे कि ये कौन से अलग अलग डोजेस फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती है कौन से अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है और समझेंगे अबाउट द डिटेल फार्माकोलॉजी ऑफ दिस मेडिकेशन तो यहाँ पर टाइटल स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि नॉर्थफ्लॉक्स 200 हंड्रेड के टैबलेट्स देख सकते हैं नॉर्थफ्लॉक्स के ये आई ड्रॉप्स भी देख सकते हैं ईयर ड्रॉप्स देख सकते हैं तो नॉर्थ के नाम से काफ़ी फेमस है ये मेडिकेशन की जिसको हम जिसके अंदर मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम जो कहें मेडिसिन तो दैट इज़ नॉर्थ्लॉक्सिन तो उसकी स्ट्रेंथ आप यहाँ पे देखिए तो नॉर्थ्लॉक्सासिन चार सौ की स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है ये वाला जो टैबलेट है वो 200 हंड्रेड का है यहाँ पे नॉरफ्लॉक्स 400 लिखा है मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ है वो 400 हंड्रेड की है और साथ में आप नॉर्थ्लॉग्स इनके आई एंड ईयर ड्रॉप्स भी अवेलेबल होते हैं तो जानते हैं आप डिटेल में अबाउट दिस मेडिकेशन और सीखते हैं अबाउट इट्स डिटेल फार्माकोलॉजी द एक्सपर्ट लेक्चर बाय सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स थैंक यू फॉर बींग वन लेक फैमिली ऑफ ऑक्स अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ यूज़ करिए फार्मर ऑक्स और एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर ऑन ऐप ऑक्स तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड कर सकते हैं ऐप गूगल प्ले स्टोर पर से और तो अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक जो है वो मोबाइल ऐप की आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्सन बॉक्स के अंदर तो चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और डाउनलोड करिए ऑक्स और एक्सेस करिए अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज ऑन दिस एप तो नॉरफ्लोक्सासिन मेडिसिन तो नॉरफ्लोक्सासिन क्या है वो सबसे पहले समझते हैं तो नॉरफ्लोक्सासिन इज एन एंटीबायोटिक कि जो अलग अलग क्लास के मेडिकेशंस होते हैं उसमें नॉर्थ्लॉक्सासिन जो है वो एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन है एंड इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट वेरियस नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्सन बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्सन को ट्रीट करने के लिए ये नॉर्थलॉक्सासन को हम यूज़ करते हैं और उसका जो पॉपुलर हम ब्रांड नेम देखें तो नॉर्थ्लॉक्स के नाम से सबसे ज़्यादा फेमस है ये नॉर्थ्लॉक्जासिन एंड इट इज़ ए वन ऑफ द पॉपुलर मेडिकेशन फ्रॉम द मेडिसिन क्लास फ्लोरोनोलॉन्स कि एंटीबायोटिक्स की जो सीरीज़ में आपने देखा होगा कि जो हमने अलग अलग एंटीबायोटिक्स सीखे थे उसमें से ये एक पॉपुलर एक मेडिसिन क्लास है एंटीबायोटिक के अंदर दैट इज़ ए फ्लोरोक्विनोलॉन। तो फ्लोरोक्विनोलॉन में आप देखते हैं कि सीप्रो होता है ओफ्लोक्सासिन होता है गेटीफ्लोक्सासिन होता है सेम लाइक like दैट नॉरफ्लोक्सासिन फ्लॉक्सासिन भी फ्लोरोक्विनोलॉन क्लास का मेडिकेशन है इट इज़ ए फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्नोलॉन एक्टिव अगेंस्ट ए ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरिया बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाज जो होते हैं और उसमें भी ये बैक्टीरिया सीडल अपनी एक्शन देता है बट ये एक बात है कि इट इज़ लेस पोटेंट देन सीप्रोफ्लॉक्सासन तो सीप्रोफ्लॉक्सासन के कंपेयर में उसकी जो पोटेंसी है वो कम है तो ये आपको पॉइंट याद रखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ए नॉर फ्लॉक्सासन इज़ प्राइमरली यूज फॉर यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट दिस मेडिकेशन नॉर अब जानते हैं उसके बेसिक यूज़ेस के बारे में तो सबसे पहले तो एंटीबायोटिक होने के कारण वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को क्योर करने में ट्रीट करने में यूज़ होता है और उसमें भी जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं कि जिसको हम यूटियाइ कहते हैं कि जो आपका ये नॉर्मल यूरनरी ट्रैक कि जिसके अंदर किडनी है यूरेटर है ब्लेडर यूरेथ्रा और जब यहाँ पे इन्फेक्शन होने के बाद वहाँ पे समझो कि ब्लेडर में इन्फ्लेमेशन होता है यूरेटर, यूरेथ्रा तो ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होता है वो ट्रीट करने के लिए नॉरफ्लोक्सासिन काफ़ी वाइडली यूज़ होता है फिर इन्फेक्शंस ऑफ द स्टमक कि स्टमक के अंदर जो अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्सन्स होते हैं तो उसके अंदर भी नॉर्फ्लॉगजासन यूज़ किया जाता है प्रिस्क्राइब किया जाता है एंड द इन्फेक्सन्स ऑफ द इंटेस्टाइन कि इंटेस्टाइनस के जो अलग अलग इन्फेक्शन्स होते हैं बैक्टीरियाज़ के कारण वहाँ पे यू यूज़फुल है और उसका जो एग्ज़ाम्पल हम देखें तो जैसे ट्रैवलर्स डायरिया कि जब इस तरह से कोई वाटर या फूड आपने इंटेक्ट किया है कि आप कोई ट्रैवलिंग के दौरान इस तरह सा आपका वाटर चेंज होता है पानी चेंज होता है जो हम कहते हैं और उस वक्त जो डायरिया की कंडीशन होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए एंड गिव रिलीफ फ्रॉम द लूज मोशन कि जो लूज मोशन हो जाते हैं कई बार कि जो डायरिया का ही एक टाइप है कि जो एक्सेसिव वाटरी डायरिया जब हो जाते हैं तो उसको हम लूज़ मोशंस कहते हैं तो उसको भी ट्रीट करने के लिए एंड हेल्प टू ट्रीट डायरिया दैट इज़ कोज बाय ड्यू टू बैक्टीरिया और पैरासाइटिक वार्म इन्फेक्शन की डायरिया होने का जो रीज़न है कि आपको जो डायरिया हुए है उसके पीछे का जो रीज़न हम कहें तो वो है बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट्स के कारण आपको ये डायरिया हुआ है सेम लाइक दैट लूज़ मोशन का भी रीज़न यही है तो उस वक्त नॉर्थ जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है और कॉम्बिनेशन में कई बार मेट्रोनिडेज मेट्रोनिडाजोल भी होते हैं टीनीडाजोल भी उसके साथ कॉम्बिनेशन में होता है कि जो पावरफुल इफेक्ट देती है इस टाइप की कंडीशंस के अंदर तो उसके अलग अलग यहाँ पे आप डोजेस पॉम देख सकते हैं कि नॉर्थ के आप यहाँ पे देख सकते हैं टैबलेट्स कि टैबलेट्स भी आप देख सकते हैं कि ये 200 सौ की स्ट्रेंथ में है और सेम नॉर्थ ये वाला 400 सौ की स्ट्रेंथ में है दूसरा पॉपुलर उसका डोजेस फॉर्म देखें तो इंट्रावेनस इंजेक्शन से कि यहाँ पे आप उसका इंजेक्शन देख सकते हैं तो नॉर्थ का जो इंजेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर इंट्रामस्क्यूलर यूज ओनली यहाँ पे लिखा है और उसकी जो स्ट्रेंथ आपको याद रखनी है दैट इज ए फाइव परसेंट तो फाइव परसेंट की स्ट्रेंथ के अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अवेलेबल है उसके टैबलेट डोजेस पर काफ़ी पॉपुलर है तीसरा आप देखें तो ड्रॉप्स एज वेल एज द ईयर ड्रॉप्स तो ये हो गए अलग अलग पॉपुलर डोजेस फॉर्म की जो मार्केट में अवेलेबल है नॉर्थ के और टैबलेट की हम स्ट्रेंथ जाने तो ये वाली जो टैबलेट है 200 हंड्रेड में है और ये वाला जो टैबलेट है वो है 400 हंड्रेड तो इस तरह से ये अलग अलग स्ट्रेंथ के अंदर नॉर्थ अवेलेबल है और उसके ये पॉपुलर डोजेस फॉम अब जो आपको सीखना है वो है उसके डोज़ के बारे में तो डोज़ खास समझ लीजिए कि कौन से डोज़ के अंदर ये मेडिकेशन यूज़ होता है तो सबसे पहले आप जाने कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है किसी को कि जिसको हम कहते हैं यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो इसमें आपके पास तीन कंडीशन है एक ऐसी कंडीशन की जिसको हम कहते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे कि सिस्टाइटिस होता है ड्यू टू द इसे रिसिया कोलाई बैक्टीरिया ई e. कोलाई बैक्टीरिया कैप्सी न्यूमोनिया या फिर मायरा बिलिस के कारण यूटीआई हुआ है तो ऐसी कंडीशन में 400 हंड्रेड एम का जो टैबलेट है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है और उसकी जो डोज फ्रीक्वेंसी रहेगी एवरी ट्वेल्व आवर्स की, दिन में दो बार पेशेंट ले सकता है ये टैबलेट्स को कि ट्वेल्व आवर्स के टाइम इंटरवल के अंदर ये मेडिसिन को लिया जाता है कि समझो कि आप मॉर्निंग में समझो कि आठ बजे लेते हैं तो इसके एग्जैक्ट ट्वेल्व आवर के बाद दूसरा टैबलेट जो है वो लिया जाता है तो दो टैबलेट्स के बीच में मिनिमम ट्वेल्व आवर्स का जो है वो फ्रीक्वेंसी रहे और होना चाहिए गैप होना चाहिए कि एवरी ट्वेल्व आवर्स पे पेशेंट जो है वो टैबलेट लेता है एंड उसका डेली डोज होगा 800 हंड्रेड मतलब कि फोर हंड्रेड एम जी जो है वो दो टाइम लेगा तो फोर हंड्रेड एम जी बी डी ऐसे कहा जाएगा टू टाइम्स अडे तो चार सौ एम जी का एक टैबलेट चार सौ एम जी का दूसरा टैबलेट ऐसे टोटल एट हंड्रेड एम जी डेली डोज होगा इस टाइप की कंडीशन के लिए और ड्यूरेशन रहेगा सिर्फ तीन दिन तीन दिन से ज़्यादा ये मेडिकेशंस खाने की जरूरत नहीं है फिर दूसरी कंडीशन की अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ड्यू टू अदर इंडिकेटेड ऑर्गेनिज्म। अगर डायग्नोसिस जो होता है यूरि यू का और उसमें पता चलता है कि ये तीन बैक्टीरियाज़ के कारण पेशेंट को इन्फेक्शन है तो ये फर्स्ट चॉइस अगर डायग्नोसिस के अंदर पता ये चलता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्सन जो है वो दूसरे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण है अदर देन अबाउथ थ्री तो उस वक्त सेम फॉर हंड्रेड एम जी का ही टैबलेट दिया जाता है डोज फ्रिक्वेंसी भी सेम रहेंगी एवरी ट्वेल्व आवर बट जो थेरापी का जो पीरियड रहता है वो सेवन से लेकर दस दिन का हो जाता है उस वक्त एंड डेली डोज सेम रहेगा एट हंड्रेड एम जी और तीसरा जो कॉम्प्लिकेटेड जब हो जाती है कंडीशन और कॉम्प्लिकेटेड यूरनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उस वक्त पेशेंट सेम टैबलेट को 10 से लेकर 21 दिन तक खाता है और डेली डोज रहता है 800 हंड्रेड तो ये होगा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के डोजेस के बारे में सेकंड है अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की जिसको हम एस भी कहते हैं या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के एस या फिर एस कि जैसे कि अनकम्प्लिकेटेड गोनोरिया है तो उस वक्त 800 हंड्रेड का डोज पेशेंट को दिया जाता है सिंगल डोज रहेगा एंड ड्यूरेशन जो है वो वन डे मतलब कि एक ही बार उसको दिया जाएगा और डेली डोज होगा ये 800 हंड्रेड फिर समझो कि, कि किसी को प्रोस्टेटाइटिस हुआ है मतलब कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मेल के अंदर उसका इन्फ्लामेशन हुआ है तो वो चाहे एक्यूट हो या क्रॉनिक उस वक्त ये सेम टैबलेट को पेशेंट एवरी ट्वेल्व आवर ट्वेंटी एट डेज़ तक मतलब कि मिनिमम वन मंथ का ये प्रॉपर कोर्स रहेगा और डेली डोज रहेगा उसका एट हंड्रेड एम सो कंक्लूज़न ये है कि मैक्सिमम उसका जो डोज है वो एट हंड्रेड एम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और मिनिमम जो है वो टू हंड्रेड और फॉर हंड्रेड एम जो है वो एक टाइम में जो पेशेंट है वो टैबलेट के तौर पे उसको यूज कर दे तो ये हो गया उसके डोजिस के बारे में और यूजली लोअर डोज से ही ट्रीटमेंट्स जो है वो स्टार्ट की जाती है इसके अंदर भी तो उसकी मेकेनिजम समझते हैं कि ये मेडिकेशन अपना काम कैसे करती है तो मेकेनिज्म में सबसे पहले ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि नॉर्थ ऑग्जासिन इनहिबिट करता है बैक्टीरियल डीएनए एन तो अब हमारे माइंड में एक ये क्वेश्चन है कि डी एन क्या है तो डी एन एक ऐसा एंजाइम है कि जो आगे जाके बैक्टीरिया को अपने डीएनए के रेप्लीकेशन के अंदर हेल्प करता है कि कोई भी बैक्टीरिया जो होते हैं उनको जब अपनी ग्रोथ करनी होती है रेप्लीकेसन करना होता है मतलब कि एक बैक्टीरिया है यहाँ पे और उसके जैसे दूसरे समझो कि ये दो बैक्टीरिया तैयार होते हैं उनमें से और दो बैक्टीरिया होते हैं तैयार तो जो पूरा उनका रेप्लीकेसन होता है कि एक में से दो बनना दो में से चार चार में से सोलह बन जाते हैं तो इससे उनका मल्टीप्लीकेशन होता जाता है बिकॉज ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ डी एन ए और जिसके कारण उनकी ग्रोथ होती है प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है रिपेयर होता है एंड रिकॉम्बिनेशन होता है डी एन ए का और डी एन ए हम जानते हैं कि जो जीनेटिक मटेरियल होता है और वो रेप्लीकेसन होना जरूरी है कि जब भी किसी बैक्टीरिया फिर वायरस या फिर, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ करनी हो तो जब ये डी एन ए गायरेज ही इनहिबिट हो जाता है तो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस जो है वो बंद हो जाती है अबाउट द रेप्लीकेसन उसी के कारण यहाँ पे देखिए ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू वो जो सेल है बैक्टीरिया का वो आगे अपना रेप्लीकेसन नहीं कर पाता और उसके कारण उसकी हो जाती है डेथ और डेथ हो जाना मतलब कि बैक्टीरिया जो है वो हो जाता है किल और बैक्टीरिया को किल करती है यह मेडिसिन इसलिए उसको बैक्टेरियाडल एक्शन भी हम कहते हैं कि द बैक्टेरियाडल एक्शन ऑफ नॉर्थ फ्लॉग्सिन रिजल्ट फ्रॉम द इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम टॉपो आइसोमरिस टू कि डी एन का दूसरा नाम क्या है टॉपो आइसोमरेस टू एंड टॉपो आइसोमरेस फॉर कि जो अलग अलग टॉपो आइजोमरीज है वो डी एन ही है और उसकी ज़रूरत होती है किसी भी बैक्टीरिया को अपना डीएनए का रेप्लीकेशन करवाने के लिए डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए डीएनए को रिपेयर करने के लिए एंड डीएनए को फिर से रिकम्बाइन करने के लिए और अपना ग्रोथ करवाने के लिए अगर ये एंजाइम ही नहीं होगा तो आगे उसकी रेप्लीकेशन नहीं होगी रेप्लिकेशन नहीं होगी तो वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा तो इस तरह से उसके सिंपल मेकेनिज्म एक्शन है और इस तरह से ये एंटीबायोटिक मेडिसिन अपना वर्क करती है तो इसके इंडिकेशन हम जान ले तो डिसीज़ अकर्स ड्यू टू द वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्संस जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्सन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन प्रोस्टेटाइटिस कि जिसको मैंने अभी आपको समझाया कि स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल कि मेल के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका इन्फ्लेमेशन होने के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के अंदर कि जिसको यूटीआईज हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की जिसको एस या फिर एस हम कहते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया के अंदर ट्रैवलर्स डायरिया के अंदर वो यूज होता है एंड लोअर जी आई ट्रैक रिलेटेड इन्फेक्शंस की जो लूज मोशन या फिर डायरिया करती है तो उस वक्त ये नॉर्थ जो है वो काफ़ी पॉपुलर मेडिकेशन है तो नॉर्थ के हम साइड इफेक्ट्स हम जानते हैं तो नोजिया एक उसका एक साइड इफेक्ट है डायरिया स्टमक क्रैम्प हो सकते हैं डिजीनेस हो सकती है हार्ट बर्न हो सकता है डिक्रीज द प्लेटलेट रैक्टल पेन हो सकता है लाइट हेडेडनेस मसल एंड जॉइंट पेन तो पर्सन जो है वो नॉजिया जैसा फील करता है फिर वॉमिटिंग भी हो सकती है उसके कारण फिर जो हमने बात की कि मसल्स एंड जॉइंट पेन जैसी कंडीशन हो सकती है हार्ट बर्न जैसा कंडीशन प्रोड्यूस होता है प्लेटलेट्स जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं उसके साइड इफेक्ट के तौर पे रेक्टल पेन हो सकता है एंड लाइट हेडेडनेस मतलब कि लाइट हेड भी हो सकता है ड्यू टू साइड इफेक्ट तो उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशनस खास समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के जो पीरियड होता है उस वक्त नॉर्फलॉक्सिन यूज नहीं किया जाता है फिर डायरिया फ्रॉम इन्फेक्शन विथ क्लोस्टोडियम डिफिसिल बैक्टीरिया अगर आपको ये बैक्टीरिया के कारण डायरिया हुआ है तो उस वक्त नॉर्फ्लॉग्स जो है वो इफ़ेक्टिव साबित नहीं होती इसलिए जो है वो इंडिकेशन के लिस्ट में हो, और अगर समझो कि नॉर्फ्लॉग्स ऐसे कंडीशन में दे दी जाती है तो उससे डायरिया की कंडीशन और ख़राब हो सकती है फिर जिनको डायबिटीज़ है एंड ऑल्सो विथ लो ब्लड शुगर मतलब कि ऐसे पेशेंट की जिनका ब्लड शुगर लो है या फिर ब्लड शुगर जो है वो हाई है दोनों के अंदर ये इंडिकेशन है मतलब कि डायबिटीज़ के पेशेंट या फिर हाइपोग्लाइसिमिया के पेशेंट के जिनका ब्लड शुगर हमेशा लो रहता है फिर जिनको ग्लूकोज सिक्स फॉस्पेट डीहाइड्रोजिनेस जी सिक्स पी डी डेफिशेंसी है उनके लिए भी इंडिकेशन की लिस्ट में है जिनके ब्लड के अंदर मैग्नीशियम का अमाउंट लोअर है सेम लाइक दैट मैग्नीशियम की तरह पोटासियम लो लेवल है ब्लड के अंदर सीजर थ्रेसड मतलब कि जिनको सीजर्स होते हैं एपिलेप्स जैसा होता है उनके लिए कॉन्ट्राइंडेसन है माइस्थिनिया ग्रेविस तो ये सब कंडीशन के अंदर ये कॉन्ट्राइंडेशन की लिस्ट में है फिर जाने तो जिनका लंग ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन हुआ है सेम लाइक दैट लंग्स की तरह हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ तो उनके उन लोगों को भी नॉर्फ्लॉग्जासन जो है वो ना दे फिर बात आती है टॉर्सेट द पॉइंट्स जो कंडीशन की सीडो ट्यूमर सेरेब्री है स्केलेटल मसल रिलेटेड डिसऑर्डर है टाइप ऑफ एबनॉर्मल हार्ट रिदम है एंड पेशेंट विथ लोअर प्लेटलेट काउंट्स तो टॉर्सेट द पॉइंट कि जिसके अंदर आप यहाँ पे उसका ईकेजी देख सकते हैं कि वेंट्रिकुलर टैके कार्डिया टॉर्च द पॉइंट जिसका ईकेजी इस तरह से आप देख सकते हैं कि रेगुलर जो होती है हार्ट की रिदम उसके कंपेयर में हार्ट की रिदम काफी चेंज हो जाती है ऐसी कंडीशन तो ये बीमारी वाले पेशेंट को भी नॉर्फ्लॉगजिन नहीं देते तो टॉर्सेट द पॉइंट में भी सीडोट्यूमर से, सेरेब्री है स्केलेटल मसल्स रिलेटेड डिसऑर्डर है एबनॉर्मल हार्ट रिदम या फिर कार्डियक अरिदमिया के जो पेशेंट होते हैं और जिनका प्लेटलेट जो है वो काफ़ी डाउन है ऐसे पेशेंट को भी नॉरफ्लोक्सासिन जो है वो नहीं दी जाती फिर प्रेगनेंसी के दौरान इंडिकेशन की लिस्ट में है बिकॉज नॉरफ्लोक्सासिन हैज़ बीन रिपोर्टेड टू रैपिडली क्रॉस द ब्लड प्लेसेंटा कि जो प्लेसेंटा जो होती है उसको इजीली क्रॉस कर जाती है और रैपिडली फास्ट क्रॉस करता है ये नॉर्थलग्जस इन एंड ब्लड मिल्क बेरियर सॉरी ब्लड मिल्क बेरियर एंड इज़ एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू द फीटल टिश्यू कि जो भी फीटस जो है वो डेवलप हो रहा है तो उसके जो टिश्यूज़ के अंदर भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं और जिसके कारण आगे जाके बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं एबॉर्संस हो सकता है तो फॉर दिस रीजन नॉर्थ फ्लॉग्जासन एंड अदर फ्लोरोक्नोलॉन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ड्यू टू द रिस्क ऑफ एबारसन एंड बर्थ डिफेक्ट कि अगर प्रेगनेंसी के अंदर कोई गलती से भी यूज कर लेता है तो आगे जाके एबॉर्सनस बर्थ डिफेक्ट या फिर दूसरे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ड्यू टू द नॉर्थ फ्लॉग्जासिन तो नॉर्थ फ्लॉग्जासिन तो या फिर जितने भी फ्लोरोनोलॉन है कि चाहे वो सिप्रोफ्लोक्सासिन है ओफ्लोक्सासिन है गैटिफ्लॉग्जासन है नॉरफ्लोक्सासिन है जितने भी ये फ्लॉक्सास वाले मेडिकेशन है ये सभी को प्रेगनेंसी के अंदर एवॉइड करें। तो ये सभी को एवॉइड करें ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ ए प्रेगनेंसी। तो ये था डिटेल इंफॉर्मेटिव लेक्चर ऑन द नॉर्थ फ्लॉग्जासन तो के तो जो नोट्स होते हैं पी डी एफ एंड पी पी डीज ऑफ लेक्चर रैपिड रिविज़न नोट्स सभी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे फार्मारॉक्स की मोबाइल ऐप के ऊपर कि जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर एन एपल आईफोन ऐप ऑन द ऐप स्टोर तो आप जरूर से डाउनलोड करिए को यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स भी कि वहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट्स शेयर किया जाता है ज्वाइन कर सकते हैं मोबाइल ऐप एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल Series and the video lecture. Good luck and all the best.